दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन लिपर्ट के बारे में, जिसे हिंदी में तेंदुआ भी कहते हैं। इसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानने की उत्सुकता रखता है। लिपर्ट का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। लिपर्ट का प्राचीन सभ्यताओं में सांस्कृतिक महत्व रहा है, जो शक्ति, चपलता और कुलीनता का प्रतीक है। आज विभिन्न माध्यमों के समकालीन चित्रण लिपर्ट की ताकत, साहस और कामुकता का चित्रण करते हैं। दोस्तों, इंडियन लिपर्ट मैंग्रोव वनों, रेगिस्तानी आवासों को छोड़कर भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के विभिन्न वन क्षेत्रों में पाया जाता है। ज्ञात है कि लिपर्ट मूल रूप से भारत, चीन और अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, लिपर्ड एक मांसाहारी एवं स्तनधारी जीव है, जो बिल्ली प्रजाति का चौथा सबसे बड़ा जानवर है। ये बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, जो लगातार शिकार होने के कारण विलुप्ति की कगार पर आ गया है। दोस्तों, ये जानना बड़ा ही रोचक है कि लिपर्ड रात्रिचर होते हैं, मतलब रात में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ये लगभग 17 से 18 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। लिपर्ड झुंड में न रहकर अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये आर्बोरियल भी होते हैं, जो अपना समय पेड़ों पर चढ़कर बिताते हैं। ये अपनी पूंछ का प्रयोग संतुलन बनाने में करते हैं एवं बड़े क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं और हमेशा घात लगाकर अपना शिकार करते हैं। लिपर्ड लगभग 22 इंच ऊंचे, 35 से 75 इंच लंबे होते हैं, जबकि इनका वजन 82 से 200 पाउंड तक हो सकता है। लिपर्ड मुख्यतः शाकाहारी जीवों जैसे सांवर, चीतल और जंगली सुअर आदि का शिकार कर वृक्षों पर ले जाते हैं। दोस्तों, लिपर्ड के शरीर पर काले धब्बे पाए जाते हैं, जिन्हें रोजेट कहा जाता है, क्योंकि इनकी आकृति गुलाब के फूल की तरह होती है, जो आप देख पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, लिपर्ड चीता एवं टाइगर की पहचान को लेकर हमेशा भ्रम की स्थिति रहती है, जबकि इनकी पहचान बहुत सरल है। जैसे टाइगर के शरीर पर लंबी एवं काली धारियां पाई जाती हैं और चीता के शरीर पर छोटी मगर ठोस बिंदियां पाई जाती हैं, जबकि लिपर्ड के स्पॉट्स बीच में खाली होते हैं, जिन्हें रोजेट कहा जाता है, जो आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, फीमेल लिपर्ड के मुकाबले मेल लिपर्ड बड़ा एवं वजन में भारी होता है। फीमेल लिपर्ड का गर्भकाल मात्र 3 महीनों का होता है, जो 2 या 3 अवयस्क शावकों को जन्म देती है। ये शावक अपनी माता के साथ लगभग 2 वर्षों तक रहते हैं। दोस्तों, ये एंडेंजर्ड अथवा नियर टू थ्रेटेंड है, जो लोकेशन पर निर्भर करता है। इनका इलीगल शिकार, कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस, रोड एक्सीडेंट और इनके प्राकृतिक आवासों का क्षेत्र छोटा हो जाने के कारण इनके संरक्षण की मुख्य चुनौतियां हैं। जबकि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के तहत लिपर्ड का शिकार पूर्णतया प्रतिबंधित है। दोस्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा? सब्सक्राइब करें एवं कमेंट कर हमें बताएं। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।